इसराइल एक दूसरे के सामने अटैक लगातार कर रहे हैं, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि इस तरीके के युद्ध अगर होते हैं तमाम देशों पर भी इसके असर पड़ते हैं, वो जान लीजिए आप। इसराइल ईरान संकट पर भारत पर कितना असर पड़ेगा? 80% कच्चे तेल का आयात होता है तो तेल की कीमत बढ़ेगी। ये इस वक्त सबसे बड़ा जो असर है, इफेक्ट है इस युद्ध का, वो भारत पर पड़ेगा, क्योंकि 80% कच्चे तेल को लेकर के यहां आयात किया जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। शेयर बाजार दो दिनों से गिर रहा है, आज भी जो शेयर बाजार खुला है वो निचले स्तर पर खुला है, निवेशकों को नुकसान ही नुकसान होगा इससे। इसके अलावा आपको बता दें 1.1 लाख करोड़ का कारोबार निर्यात पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, और ये जो युद्ध इस वक्त इन दोनों देशों के बीच में है उसका ये असर भारत पर पड़ने वाला है। खाड़ी देशों में 87 लाख से भी ज्यादा भारतीय है, बचाने की तैयारी जरूरी। एडवाइजरी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी जारी की गई थी, इन दो देशों की यात्रा पर आप ना जाए, लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं उनका रेस्क्यू करना भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, एक चैलेंज है। ऐसे में देखिए खाड़ी देशों में जो 87 लाख से भी ज्यादा भारतीय इस वक्त रह रहे हैं, बचाने की तैयारी जरूरी है। अमेरिका खोल करके किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है वो भी हमने देखा इसराइल को, और उसके बाद इस्फहान के पास न्यूक्लियर साइट पर अटैक करने का इसराइल का ये बड़ा दावा सामने आया है ईरान की तरफ से। हालांकि इसका खंडन किया गया, ये कहा गया कि हमने जितने भी जो एयर स्ट्राइक इसराइल की तरफ से किए गए थे उन्हें हवा में ही हमने मार गिराया, डिफ्यूज कर दिया है, शहर हमारे तबाह नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल लगातार उसके सबूत भी दे रहा है, ये वो वीडियो इस वक्त आपके सामने, ईरान के 7 शहरों पर इसराइल ने हमला किया। हमारे साथ प्रणय भी जुड़ चुके हैं, प्रणय का भी हम रुख कर लेते हैं। अब अगले हम आपको बता दें कि कुछ घंटों में कुछ और बड़ी खबरें सामने आ सकती है। प्रणय, इसराइल पर किस तरीके से, देखिए ईरान ने पहले अटैक किया 120 घंटे के बाद, अब इसराइल लगातार अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है, कितना असर इसका बाकी देशों पर, खाड़ी देशों पर या भारत पर भी पड़ेगा, इसको लेकर के बताइए दर्शकों को। बिल्कुल प्रिया, अगर आप देखें पिछले 19 दिनों के अंदर इसराइल और ईरान दोनों की तरफ से एक दूसरे पर वार किया गया है, चाहे इस मामले की शुरुआत सीरिया के दमास्कस के अंदर जिस तरीके से ईरानी कॉन्सुलेट को इसराइल की तरफ से निशाना बनाया गया, उसके बाद ईरान ने कार्रवाई की इसराइल के ऊपर, और उसके बाद अब पलटवार किया है इसराइल ने ईरान के ऊपर। इन तमाम चीजों के अंदर अगर आप देखें तो इसके कई महत्वपूर्ण पहलू नजर आते हैं। पहली बात तो यह कि दोनों साइड्स ने इस तरीके की कार्रवाई को डाउनप्ले करने की कोशिश की है। इसराइल की तरफ से कहा गया कि उसके नवातिम शहर जो एयरबेस है उसको कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, केवल थोड़ा सा नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ईरान की तरफ से आए बयानों को भी देखें तो उसके अंदर भी कहा जा रहा है कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, न्यूक्लियर साइट सेफ है। लेकिन जाहिर तौर पर यहां पर एक ऑप्टिक्स भी देखने को मिल रहा है, दोनों सरकारें या दोनों जो देश हैं वो एक दूसरे के इस वार के ऊपर जवाबी कार्रवाई के दबाव में नजर आ रहा है। यह सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है, किस तरीके से इसराइल लगातार ईरान को लेकर के अटैकिंग मोड में है। ज़ी न्यूज़।